लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बीत चुकी है। बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारे के साथ उम्मीदवारों के नाम की सूची भी जारी कर दी है, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भले ही महागठबंधन ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इस सीट बंटवारे में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर खुश नहीं है, या यूं कह ले कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद में डील पूरी तरह से डन नहीं हो पाई है। सीट बंटवारे के ऐलान के दिन भी तेजस्वी नदारद रहे, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और मनोज झा के बीच बातचीत का वीडियो वायरल हुए वो बहुत कुछ बताने के लिए काफ़ी है। चुनावी बिगुल फूकने पूर्णिया आए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सीट बंटवारे से जुड़ा फीडबैक मिला है। फीडबैक के बाद राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के तीन बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल, मदन मोहन झा और अखिलेश सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं। खबर ऐसी है कि राहुल गांधी सीट बंटवारे से जुड़े फीडबैक से नाखुश है। ऐसे में राहुल गांधी ने इन तीन नेताओं को दिल्ली तलब किया है। खबर तो यह भी है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कल पूर्णिया में हुई राहुल की सभा से भी राजद ने दूरी बना ली थी। महागठबंधन के पहले चुनावी शो से तेजस्वी यादव भी नदारद थे। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।